फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपके पास एक नया टॉपिक के साथ। मैं हूँ दीप बैदास और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसे आज मॉर्निंग को मैंने फेसबुक ओपन किया तो मुझे एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जिसे देखने के बाद मुझे दुख तो हुआ लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे गुस्सा आया। अब मुझे गुस्सा क्यों आया ये आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप इस क्लिप को देखिए। अभी हमारा एक दोस्त हमको मिल नहीं रहा है। मैं कब से किधर है वो? उधर दिखा। किधर है? किधर गया? क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ बोल। कुछ नहीं यार। क्या हुआ बता। थक गया भाई, बहुत थक। क्या हुआ? तू इधर से मरने जा रहा था क्या? हाँ, क्या हुआ बोलना, क्या हुआ? टैलेंट का भाई किसी को कदर ही नहीं है। क्या हुआ, क्या ऑडिशन में क्या हुआ? तो जैसे अभी आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, इस वीडियो में एक लड़का जिसे मैं ना तो जानता हूँ ना इसके साथ मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन मुझे लगा कि भाई के इस वीडियो को देखने के बाद हमारे देश के बहुत से लोगों के सपने टूट जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। इस वीडियो में एक लड़का जो एक सिंगर है और वो सुसाइड करने जा रहा था, अब उसके सुसाइड करने का रीज़न जानते हैं आपके होश उठ जाएंगे। ऑडिशन में क्या हुआ? ऑडिशन में कुछ नहीं, बोलिए आपकी आवाज़ अच्छी है पर आपका जेब खाली है। अच्छा, मतलब ये कौन से शो का है? ये कौन से शो में गए थे तुम? ये जो अभी नया आ रहा है ना हुनरबाज। हाँ। तो उसमें तो मतलब पैसे ऐसे लेते क्या उधर? पैसे 5 लाख की डिमांड की टॉप 10 में आने के लिए। जैसे कि भाई ने इस वीडियो में बोला कि वो हुनरबाज के ऑडिशन पे गया था और शो वाले ने भाई से 5 लाख देने के लिए बोला अगर भाई को शो में आगे सिलेक्ट होना है तो। अब सवाल ये आता है कि ये बात कितना सच और कितना झूठ है। बातें बोलने वालों, आप मेरी बातों पे गौर करना। जैसे कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से 50% लोग डुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ। अभी अगर आप देखने जाओ तो सपने हमारे जैसे लोगों के लिए होते हैं, देखो जिसके पास पैसा होता है उन्हें हमारे जैसे भागना नहीं पड़ता सपनों के पीछे। हमारे पास पैसा ना होने के कारण हमें इतने फैसिलिटीज भी नहीं मिलते और हमें भागना पड़ता है सुबह से शाम तक अपने सपनों के पीछे। अब सवाल ये आता है कि शो वाले ने भाई से 5 लाख मांगा कि नहीं। आप सबसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हो, मैं इंडियाज बेस्ट डांसर सीज़न 2 के कंटेस्टेंट था और मुझे एक इंजरी के कारण सेमीफिनाल में शो से बाहर होना पड़ा। मेरे पीछे जो फोटो लगे हुए हैं उस फोटो पे भी आप देख सकते हो इंडियाज बेस्ट डांसर लिखा हुआ है, जबकि चैनल वाले प्रोडक्शन वाले खुद चाहते थे कि मैं फाइनल तक जाऊँ, जबकि मैंने शो वालों को एक पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद भी उन लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट किया, रहने के लिए एक 5-स्टार होटल दिया और टाइम टू टाइम खाना प्रोवाइड किया। जब मुझे इंजरी हुई उस दौरान उन लोगों ने मेरी पूरी केयर की। आप सबको तो एक बात पता ही होगा कि कोई भी इंसान एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। मुझे भी एक बार में नहीं मिला, 6 बार रिजेक्ट होने के बाद जाके मुझे चांस मिला एज ए कंटेस्टेंट शो में परफॉर्म करने का। हाँ, ये बात सच है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अगर हमारे देश में टैलेंट की सच में कदर होता तो उनको चांस देते जो आगे जाने के लिए डिजर्व करते हैं, ना कि उनको जिनके वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होते। जिसे इस वीडियो में इस लड़के ने बोला कि शो वाले ने भाई से 5 लाख की मांग की। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक रियलिटी शो 6 से 8 महीने का होता है और शो का जो बजट होता है वो 50 से 60 करोड़ के बीच होता है। शो वाले हमसे 5 लाख से ज़्यादा मांग नहीं सकते बिकॉज हमारे पास उनको देने के लिए उससे ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि शो वाले को हमसे 5 लाख रुपये मांग के क्या होगा, जबकि उससे ज़्यादा उनका एक दिन का शूट पे खर्च हो जाता है। जब किसी इंसान को रिजेक्ट किया जाता है वो अपनी गलतियों को नहीं देखता कि किस वजह से उसको रिजेक्ट किया गया, वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई भी इंसान अपनी गलतियों पे काम करना चालू कर दे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पास कोई गलती नहीं बचेगा, उस दिन उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अभी आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, इस वीडियो को ज़रा देखिए। इस वीडियो में जुबिन नौटियाल को एक्स फैक्टर नाम के एक शो से रिजेक्ट किया जाता है। उसके कुछ साल बाद जुबिन को एज ए गेस्ट इंडियन आइडल के मंच पर बुलाया जाता है। ये सिर्फ जुबिन की मेहनत की वजह से हो पाया। अगर उस दिन जुबिन ने भी ऐसा सोचता कि उसको क्यों रिजेक्ट किया गया और वो भी दूसरों पे उंगली उठाता तो आज यहाँ तक जुबिन नहीं पहुँचता, और ये सिर्फ जुबिन की मेहनत की वजह से हो पाया है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि कोई भी शो हमसे पैसे की मांग नहीं करते। अगर बंदे में रियल टैलेंट है और बंदे में आज शो में आगे सर्वाइव करने का स्टेबिलिटी है तो शो उन्हें ज़रूर आगे पुश करता है। तो गाइस, ऐसे वीडियो को इग्नोर करो, क्या गलती रह गई देखो और सुधार करो। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई भी इंसान को ये ना लगे कि मेहनत रंग नहीं लाता और वो अपने सपनों के पीछे रहते हैं। थैंक यू सो मच।